हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल तो आज के दिन हम बात करने वाले हैं करियर इन एचुरी के बारे में तो आज की वीडियो में हम सारे क्वेश्चंस पिक करेंगे जो भी डिटेल्स आपको रिक्वायर्ड होती है एक एक्चुअली बनने के लिए सो so दैट आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन आ रहा है सो आज का वीडियो का एजेंडा रहेगा कि एचुरी कौन होते हैं क्या उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है स्कोप है एक एक्चुअली का इंडिया के अंदर उसके बाद हम ये देखेंगे कि आप कैसे एक एक्चुअली बन सकते हैं क्या उसके क्या उसके स्टेप्स होते हैं उसके अंदर डिटेल प्रोसेस के बारे में बात करें विदाउट एनी व्यू जस्ट लेट स्टार्ट वीडियो प्लीज सब्सक्राइब मै चैनल फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ न्यू वीडियोस इस चैनल पर मैं एवरी वीक वन करियर वीडियो एंड वन मोटिवेशनल वीडियो शेयर करती हूँ सो एक्चुरी इज ई वन ऑफ द प्रेसिजियस जॉब इट इज रैंग डैस्ट टॉप ट्वेंटी फाइव प्रोफेशन इन वर्ल्ड इसका जो भी काम होता है वो सारा रिलेटेड होता, तो एक 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 होता है अगर आप बात करें इंडिया के अंदर जो एचरीज की रिक्वायरमेंट होती है वो सबसे ज्यादा इंश्योरेंस डिपार्टमेंट में होती है इंश्योरेंस डिपार्टमेंट का काम होता है कि आज बैठ के पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना सो दैट so जो हम पॉलिसीज आज बना रहे वो तीस साल चालीस साल तक की सेम रहे हम चालीस साल तक प्रीमियम आज कैलकुलेट करे। करें ऐसा हो और हम अपने कस्टमर के के भी पूरी कर सके क्योंकि अगर कोई आज हेल्थ इंश्योरेंस लेगा उसका जो प्रीमियम है वो आज डिसाइड हो जाएगा ट्वेंटी थर्टी ईयर का जो रिटायरमेंट की स्कीम्स होती है उसकी बात करें जो बैंक प्रोवाइड करते हैं या फिर हम बात करें हेल्थ इंश्योरेंस की इम्प्लॉयमेंट रिटायरमेंट फर्म्स की या पेंशन के जो डिपार्टमेंट होते हैं उन सब के जो भी बात करें उन सबको आज प्रीमियम निकालना होता है आगे के काफी सालों का जो भी पॉलिसी फॉर्मुलेट करते हैं वो लोग एचुरीज होते हैं एचुरीज का काम होता है कि आज हमें अपनी पॉलिसी फॉर्मुलेट करनी है एक प्रीमियम कैलकुलेट करना है फॉर दी अपकमिंग सो मेनी जिसके अंदर दोनों को फायदा हो कंपनी को भी बेनिफिट हो उसके लिए भी राइट right प्रीमियम हो और दूसरा हम जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उस टाइम में हो सारी हम पूरी कर सके सो so, ये मेन रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक एक्चुअली की पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग करना एक कंपनी की ये एक रोल होता है एक्चुअली का इसके अंदर आपको थोड़ा सा मैथ्स और मैथ में स्ट्रॉग होना उसके साथ साथ अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करी हुई है तो आपको कंसल्टेंट ऑप्शन मिलेगा इन मल्टीपल एरियाज लाइक इंश्योरेंस टैक्सेशन रिस्क मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टमेंट ये ऑप्शन में आपके साथ ओपन

होना चाहिए सो स्टेप्स टू बिकम एन एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी ट्वेल्थ कंप्लीट होनी चाहिए अगर आप कॉमर्स से करो या पीसीएम से करो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बट तो तो आपका मैथ्स इंक्लूड होना चाहिए उसके अंदर या स्टार्ट इंक्लूड होना चाहिए सेकेंड उसके बाद आप ग्रेजुएशन में जा सकते हो या सीधा आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हो तो आप ग्रेजुएशन कर सकते हो एचुरी के अंदर मैथ्स में स्टार्ट में किसी चीज में भी आप इसके अंदर ग्रेजुएशन कर सकते हो या आप क्या कर सकते हो किसी और चीज में ग्रेजुएशन करके इनका एंट्रेंस एग्जाम सीधा क्योंकि एक प्रोफेशनल कोर्स है क्योंकि एक प्रोफेशनल कोर्स है लाइक सी ए तो आप इनकी बॉडी के अंदर प्रोफेशनल बॉडी के अंदर रजिस्टर करके आप सीधा एंट्रेंस एग्जाम की भी तैयारी

साथ 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 आप आप एग्जाम 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 क्लियर 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 कर कर लो। एग्जाम क्लियर करना आपने साइंस, साइंस ली, उसके बाद जॉब आराम से लग जाती है। साथ साथ करोगे, तो आपके पैकेजेस बहुत अच्छे होंगे और आपकी नॉलेज भी काफी स्ट्रॉग होगी अगर अब हम एग्जाम के बात करते हैं सो हम एचुरल साइंस के एग्जाम्स के बारे में बात करते हैं जो अंडर आई के अंदर आता है तो इसके अपने एंट्रेंस एग्जाम है इनके अपने चार सेक्शन होते हैं, हैं।, uh, हैं right? भी भी जरूर uh, है, तो दो तो इसके अंदर आपके रिटर्न एज वेल एज प्रैक्टिकल एग्जाम्स दोनों होंगे आई ए आई ही आपको सारा स्टडी मटीरियल सब कुछ आपको प्रोवाइड करेगा फॉर दी रेफरेंस किस टाइप के एग्जाम्स आएंगे तो ये आपको हमारा फोर सेक्शन के अंदर डिवाइड होता है जो लोगों ने अपनी सी uh, कर रखी है सीएस कर रखी है आपने एमबीए कर चुके हो ऑलरेडी एमबीए इन फाइनेंस में तो उनके लिए कुछ एग्जामिशन होती है तो इसके अंदर आपके चार स्टेजेस होते हैं फर्स्ट इज कोर टेक्निकल दूसरा होता है कोर एप्लीकेशन स्पेशलिस्ट टेक्निकल स्पेशलिस्ट एप्लीकेशन तो ये आपके चार स्टेजेस होते हैं आपको स्टेज वन और स्टेज टू के तो दोनों के पूरे पूरे एग्जाम्स आपको क्लियर करने होते हैं आपको स्टेज वन के भी एग्जाम क्लियर करने हैं स्टेज टू के भी करने हैं स्टेज वन में आपके नाइन एग्जाम्स होते हैं टू में जाके आपके थ्री एग्जाम्स होते हैं तो ये एग्जाम्स तो आपको क्लियर करने हैं ये तो कम्पल्सरी एग्जाम होते हैं ये तो आपको सारे ही क्लियर करने होते हैं स्पेशलिस्ट टेक्निकल में आपको एट एग्जाम्स होते हैं उसमें मिनिमम आपको टू एग्जाम्स क्लियर करने होते हैं स्पेशलिस्ट एप्लीकेशन में एट एग्जाम्स में से आपको वन एग्जाम क्लियर करना होता है ये मिला के आपके टोटल फिफ्टी एग्जाम्स होते हैं आपको ये टोटल फिफ्टीन एग्जाम्स क्लियर करना होता है जब आप दो स्टेजेस क्लियर करते हैं

क्लियर कर सकते हो कोई ऐसा टाइम लिमिट नहीं होता के बाद इसे कंप्लीट करने के बाद आपका प्राइवेट ऑप्शन भी ओपन होगा साथ आपका गवर्नमेंट का भी ऑप्शन होगा उसके बाद डिफरेंट जॉब्स आप ट्राई कर सकते हो डिफरेंट इंव्यूज दे सकते हो और एक आपको एक अच्छी जॉब मिल सकती है उसके साथ साथ अगर आपने एमबीए कंप्लीट कर ली तो आपका कंसल्टेंट का ऑप्शन भी ओपन हो जाता है आपका काम होता है अगर आप इंटरेस्टेड हो एचरी के अंदर तो ऐसे लोगों से बात करो जो ऑलरेडी एचवरी फील्ड में काम कर रहे हैं आप लिंगडेन में उनको ढूंढ सकते कर सकते हो क्या उनकी रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीजी है क्या उनके रियली में पैकेजेस है उनसे वन टू वन बात करना इज वेरी इंपॉर्टेंट दूसरी चीज आप जाके उस इंस्टीट्यूट में नेक्स्ट आप उनकी प्रोफेशनल बॉडी पे जाके बात कर सकते हो सारी उनकी उन सारा उनसे सिस्टम समझ सकते हो कितनी फीस होती है कितनी एग्जाम की फीस लगेगी क्या उनके एप्लीकेशन की डेडलाइंस है दूसरा काम आप ये कर सकते हो अगर आप एक्चुअली में इंटरेस्टेड हो इतनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद आप एक राइट डिसीजन ले सकते हो अपने लिए कि ये कोर्स मेरे लिए है या नहीं है